यहाँ के जो लोग हैं जरा उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? केशवराम वर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो इस विरोध प्रदर्शन में क्या स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं? आप लोग शामिल हो रहे हैं? नहीं। नहीं शामिल हो? नहीं। क्यों? नहीं, कहा जा रहा है कि ये तो सबका विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर। होगा लेकिन हमें नहीं। आप लोग नहीं है? नहीं। आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने की बात कही जा रही है, कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर बस जा रहे हैं, तो उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है? कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई नहीं। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं जी। कहाँ की रहने वाली हैं? हम है तो इधर की, शिमला के ही रहते हम, कोटखाई की, कोटखाई। अच्छा, आज सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। आप लोगों को लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन होना चाहिए? होना चाहिए जी। हाँ जी, क्या वजह है? तो देखो वे अब जो अपने उनको ऐसे करे कि उनके लिए रोजगार नहीं है, जो बाहर के उनको पार रहे सरकार भी, वैसे ही हो रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पार रहे, जो पाकिस्तानी है कोई है उनको पार रहे, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। हाँ जी, पाकिस्तान से बांग्लादेश से ज्यादा लोग इधर आ जाते हैं। बांग्लादेश तो चलो, पाकिस्तान के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जी। देखिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर से दूसरे मुल्कों से आकर लोग जो यहाँ बस रहे हैं, उनको यहाँ पर रहने की इजाजत कैसे मिल जा रही है, उसको लेकर प्रदर्शन यहाँ पर आज किया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मैं इंदर। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें आप लोग क्या शामिल हो रहे हैं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धर्म कर्म वाले आदमी हैं, हम इस मामले में नहीं पड़ते। इस मामले में नहीं पड़ते? इन कह रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सब इसमें शामिल हो रहे हैं। होते रहे जी, वो उनों की मर्जी है। आप लोगों को नहीं फर्क पड़ता है बाहर के लोग आकर यहाँ बस जा रहे हैं? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। आपका क्या नाम? प्रदीप शर्मा। आज विरोध प्रदर्शन है उसमें क्या आप लोग शामिल हो रहे हैं? हाँ जी। क्या वजह है? बाहरले लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, रेड़ी थड़ी चलने का मुश्किल हो जाती है। सड़क में बैठ रहे हैं ना, सड़क में तब उठा रहे हैं उनको। बाहर के आए हुए यहाँ का नहीं है कोई भी। बाहर के आए हुए लोग हैं, यहाँ का कोई नहीं है और यही वजह है कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड, जो बहुत बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ये डली टनल है जहाँ से प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता, जहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, 4 फ्लोर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त किया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला अदालत में है और एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों का आप देख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को हिलाकर अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने में लगभग कामयाब होते हुए नजर आ रहे। देखिए ये हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था, और ये पूरे के पूरे बैरिकेड को हटा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए, यानी कि मस्जिद तक जाने के लिए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने के लिए, मार्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आए, पहले इन्हें रोका गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो वो नीचे धरने पर बैठ गए थे, और अब देखिए सुरक्षाकर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। देखिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। पिछली दफा हमने देखा था, जब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी उग्र नहीं थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े 3 बैरिकेड्स जो यहाँ पर गेट पर रखे गए थे उनको गिराकर प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। पीयूष को मैं कहूंगा कि आप आगे की तरफ आइए पीयूष। और ये देखिए ये ढली टनल है जहां पर ये बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे,
लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और यह हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के जो चार फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की थी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन यह प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, प्रशासन की तरफ से उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजोली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए थे उतने बड़े बैरिकेड्स यहां पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े बड़े बैरिकेड्स जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए। हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए। देखिए अवैध कब्जा हटना चाहिए और बाहर से यानी कि बांग्लादेश और बाकी अलग अलग बॉर्डर के इलाके से जो लोग हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और इस इलाके में आकर वो बस जाते हैं।